लोक निर्माण विभाग में इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस अनुभाग के कार्यपालन यंत्री पी के गुप्ता को लोकायुक्त ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्यपालन यंत्री 2,72,000 के बिल में 75,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। उसने ठेकेदार से 55,000 रुपए कुछ दिन पहले रिश्वत में लिए थे, बाकी के 20,000 रुपए वसूलने के लिए दबाव बना रहा था। इसको लेकर ठेकेदार ने लोकायुक्त में शिकायत की। लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार शाम को कार्यपालन यंत्री पीके गुप्ता को मेला ग्राउंड में रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई करने में लोकायुक्त की टीम सहित 12 सदस्य टीम शामिल रही। बता दें कि कलेक्टर भिंड के बंगले पर लाइट फिटिंग का कार्य माह नवंबर में किया था, जिसके 3,00,000 रुपए के बिल पास करने के एवज में आरोपी 75,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। ये एक महेंद्र सिंह बैस हैं, विद्युत के ठेकेदार हैं। 1,00,000 इनके पास लाइसेंस है। इन्होंने कल शिकायत की थी कि इनके द्वारा कलेक्टर बंगला भिंड में कोई कार्य किया गया था, उस कार्य का 3,00,000 रुपए के मूल्य का कोई बिल है, उस बिल को पास करने के एवज में उनसे 70,000 रुपए की मांग की गई है। 55,000 ले चुके हैं और 15,000 और मांगे गए। इसकी पुष्टि हमारे द्वारा की गई और करने पर शिकायत सही पाई गई, तो आज शाम को यहाँ मेला ग्राउंड परिसर में ये ई साहब का एक्चुअल क्या है कि इनका परसेंटेज 25% ये कमीशन लेती है, 2-4% तो आदमी सोचता भी नहीं है। इन्होंने इतना परेशान मेरे को मेंटली डिस्टर्ब किया कि 25% से नीचे ये बात नहीं करते। अभी मेरा एक बिल पास इन्होंने किया 2,72,000 का, उसमें 55,000 रुपये इन्होंने परसों नरसों मेरे से ले गए, मैंने दे दिए। अब इनका कल से फिर फोन आने लगा कि मेरे को वो बाकी के पेमेंट और करो, तो 20,000 रुपये इनको और देने थे। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कि मैं थोड़ा परेशान हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं। बोले नहीं तो आप बेटे के हाथ से भेज दो। मैंने कहा बेटा भी बिजी है, हॉस्पिटल में है हम लोग,